हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में सब लोग स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको चार टक्स ब्लाउज की नाप और कटिंग। दोस्तों बहुत सरल आसान तरीका है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। लेंथ की लंबाई है दोस्तों 15.5 इंच। देखिए दोस्तों लेंथ की लंबाई है 15.5 इंच। 15 इंच पर मैंने निशान लगाया। कमर है दोस्तों, कमर है 10 इंच। कमर है 10 इंच। देखिए दोस्तों कमर 10 इंच है, 10 इंच पे मैंने निशान लगा लिया दोस्तों। अब दोस्तों स्केल के माध्यम से इसको मिला लेंगे, कमर को। देखिए दोस्तों मिला लिए। अब इसके बाद दोस्तों शोल्डर नापेंगे। दोस्तों शोल्डर है 5.5 इंच। देखिए दोस्तों शोल्डर है 5.5 इंच। 5.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। और दोस्तों गला है ढाई इंच दोस्तों। तो 2.5 इंच पे देखिए दोस्तों मैंने निशान लगाया। और आगे गला है दोस्तों, आगे गला है 6.5 इंच। आगे गला है 6.5 इंच आगे गला की लंबाई। अब दोस्तों इधर से भी 2.5 इंच पे निशान लगा लिए दोस्तों। स्केल के माध्यम से इसको मिला लेंगे। देखिए दोस्तों इसको मिला लिए दोस्तों। गला हो गया। अब दोस्तों यहाँ से बगल की लंबाई नापेंगे। बगल की लंबाई है दोस्तों 5.5 इंच। 5.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब दोस्तों स्केल के माध्यम से इसको भी इसी प्रकार से मिला लें दोस्तों। देखिए दोस्तों मिला लिए। अब दोस्तों और मूल की गोलाई यानी छाती नापेंगे। कमर है 10 इंच दोस्तों। मैंने छाती को 11.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। देखिए दोस्तों 11.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब दोस्तों स्केल के माध्यम से इसको मिला लेंगे। मिला लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों मिला लिए। दोस्तों इसको यहाँ से बगल को मिला लिए स्केल के माध्यम से। देखिए दोस्तों मिला लिए। तो अब कमर को छाती में मिला लेंगे। कमर को छाती में इसी प्रकार से देखिए दोस्तों कमर को छाती मिला लिए। अब दोस्तों यहाँ से आधा इंच पे गला बनाएंगे, गला गुलाई। देखिए दोस्तों गला गुलाई बहुत सरल आसान तरीके से इसी प्रकार से बना लेंगे। देखिए दोस्तों कितना मस्त मेरा गला गुलाई बना। अब दोस्तों यहाँ से अरमूल की भी यहाँ से दोस्तों अरमूल की गुलाई भी लेंगे। अरमूल की गुलाई मैंने सेब के लिए 1/2 इंच लिया दोस्तों,
और 1 इंच अब अरमोल की कुलाई बनाने के लिए दोस्तों। और यहाँ से फिर कंधा का फिटिंग नाप 1/2 इंच ले लेंगे दोस्तों। ले लिए, देखिए दोस्तों ले लिए दोस्तों। तो अब यहाँ से गोलाई बनाएंगे। देखिए दोस्तों गोलाई बनाएं दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों 1/2 इंच की दोस्तों यहाँ से मैंने अरमोल की गोलाई को बनाया। और यहाँ से अरमोल की शेप को भी मैंने यहाँ से इसमें टच करते हुए बना लिया दोस्तों। बना लिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से फिटिंग नाप लेंगे दोस्तों। 11.5 इंच था तो दोस्तों उसका 10.5 पे फिटिंग नाप लगाएंगे। देखिए दोस्तों मैंने फिटिंग नाप लगाया और 1/2 इंच दोस्तों नीचे की तरफ से मैंने 1/2 इंच नीचे की तरफ से भी लगाया। देखिए दोस्तों लगा लिया 1/2 नीचे लगा लिया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से लगा के मैंने 1/2 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया दोस्तों। अब इसमें दोस्तों जो अरमोल की गोलाई मैंने लिया यहाँ पे इसी प्रकार टच होते हुए यहाँ पे भी 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे इसमें टच करेंगे, टच हो गया दोस्तों। और ये जो है अरमोल की सीख गोलाई वो भी इसमें टच कर लेंगे, क्योंकि अरमोल की गोलाई इसलिए यहाँ पे ले रहे हैं 1/2 इंच नीचे की तरफ, क्योंकि आस्तीन लगाते समय वो छोड़ ना आए इधर उधर और वो फिटिंग अच्छा बैठे आस्तीन की नाप दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ से टेक्स पॉइंट लेंगे। मैंने यहाँ से दोस्तों टेक्स पॉइंट लिया दोस्तों। यहाँ पर मैंने दोस्तों 10.5 13 पर टेक्स पॉइंट लिया, 10.5 और 13 पर टेक्स पॉइंट लिया दोस्तों। टेक्स पॉइंट लिया। अब दोस्तों यहाँ से जो टेक्स पॉइंट मैंने लिया है आप इस प्रकार से भी नाप सकते हैं योग पट्टी यानी दोस्तों। मैंने यहाँ से अरमोल की गोलाई बनाया और दोस्तों यहाँ से जो मैंने टेक्स पॉइंट लगाया 13 पे और 10.5 पे दोस्तों, तो दोस्तों एक टेक्स पॉइंट हो गया दोस्तों। आप ये पट्टी के लिए यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और दोस्तों 3 इंच यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने निशान लगाया दोस्तों, ये पट्टी यानी बेल्ट दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से इसको यहाँ पे सीधा सीधा मिला लेंगे। मैंने यहाँ से सीधा सीधा दोस्तों मिलाया, इसी प्रकार से मिलाया दोस्तों, मिला लिया। और दोस्तों जो ले लिए यहाँ से 1/2 इंच गोलाई बना लेंगे। मैंने गोलाई बनाया यहाँ से दोस्तों बेल्ट की। अब दोस्तों यहाँ से 4 पे टेक्स पॉइंट लगाएंगे, जो 10 पे मैंने टेक्स पॉइंट दिया था यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 4 पे टेक्स पॉइंट लिया, 4 पे टेक्स पॉइंट यहाँ पे लगाया दोस्तों। यहाँ पे टेक्स पॉइंट लगा लिया। अब दोस्तों यहाँ से 2.5 इंच पे मिला लेंगे। यहाँ से दोस्तों मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया टेक्स पॉइंट 4 टेक्स दोस्तों। अब दोस्तों जो मैंने 2.5 और यहाँ 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे मैं 1.25 इंच पे निशान लगाया दोस्तों। अब दोस्तों जो मैंने टेक्स पॉइंट का निशान लगाया यहाँ पे इसी प्रकार से टेक्स पॉइंट को मिला लेंगे। देखिए दोस्तों मिला लिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से 1 इंच पे टेक्स पॉइंट लगाएंगे। 1 इंच पे दोस्तों मैंने टेक्स पॉइंट का निशान लगाया
लिया। अब दोस्तों यहाँ से भी स्केल के माध्यम से यहाँ पे थोड़ा तिरछा टेक्स्ट पॉइंट को लगाएंगे। मैंने दोस्तों यहाँ टेक्स्ट पॉइंट लगाया। अब दोस्तों ये दो टेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब दोस्तों यहाँ से ढाई दो इंच पे यहाँ से एक इसके सीधे सीधे रहना चाहिए टेक्स्ट पॉइंट के। यहाँ से मैंने दो इंच पे टेक्स्ट पॉइंट लगाया दोस्तों, लगा लिए दोस्तों। एक टेक्स्ट पॉइंट और एक टेक्स्ट पॉइंट एकदम सामने रहे और थोड़ा सा इसे तिरछा करके यहाँ पे टेक्स्ट पॉइंट को मिला लेंगे। मिला लें दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ से अब नापेंगे दोस्तों। यहाँ से नापे टेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से दोस्तों ढाई इंच पे टेक्स्ट पॉइंट लगाएंगे। देखिए दोस्तों ये यहाँ से नापेंगे टेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे मैंने ढाई इंच पे टेक्स्ट पॉइंट का, देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा चौथा टेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे मैंने ढाई इंच पे टेक्स्ट पॉइंट को निशान लगाया दोस्तों। दोस्तों ये है। अब दोस्तों ये हमारा टेक्स्ट पॉइंट को इसी प्रकार से दोस्तों टच कर लेंगे। देखिए दोस्तों कितना सरल आसान तरीके से मैंने चार टक्स ब्लाउज की नाप बताया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। दोस्तों अब इसकी कटिंग करके दिखा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो में बने रहे तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने यहाँ पे भी एक इंच बढ़ाना रहता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे छाती के यहाँ से भी एक इंच और यहाँ से डेढ़ इंच छाती को बढ़ा देंगे, कमर को यहाँ से। देखिए दोस्तों बढ़ाएं यहाँ से और दोस्तों यहाँ से एक इंच यहाँ से बढ़ाएं। अब दोस्तों यहाँ से इसको टच कर लेंगे, यहाँ से इसको मिला लेंगे जहाँ से एक और डेढ़ बढ़ाएं। मिला लें दोस्तों, ये जो आधा इंच है दोस्तों इसमें टच होते हुए मिला लिए। अब दोस्तों मैंने आपको कितना सरल सा तरीके से चार टक्स ब्लाउज की नाप बताया दोस्तों। अब इसकी दोस्तों कटिंग करके भी बता रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अब इसकी कटिंग करने जा रहे हैं। कटिंग किया दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ से अरबोल की गुलाई की कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ से अरबोल की गुलाई की भी कटिंग किया। अब दोस्तों यहाँ से पीछे के पार्ट को निकाल लेंगे। दोस्तों मैंने पीछे के पार्ट को इसी प्रकार से निकाल लिया। देखिए दोस्तों मैंने पीछे के पार्ट को निकाल लिया। अब दोस्तों ये पट्टी की कटिंग करेंगे। ये पट्टी यानी बेल्ट। देखिए दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ से टेक्स्ट पॉइंट लेंगे यहाँ से तो ये बराबर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब ये आगे का, अब दोस्तों अब सेब को कटिंग कर लेंगे। अरमूल के सेब की, अरमूल का सेब कभी भी दोस्तों आगे का ही ब्लाउज का भाग का कट करेंगे, पीछे का ब्लाउज का पार्ट का नहीं।
दोस्तों, ये आगे का पार्ट हो गया दोस्तों, ये जो पट्टी हो गया दोस्तों, ये पीछे का। अब दोस्तों ये जो मैंने एक दोस्तों ये जो मैंने पीछे पार्ट में एक इंच और जो डेढ़ इंच लिया दोस्तों, इसको इसी प्रकार से मिला लेंगे इसके माध्यम से दोस्तों, मिला के इसको कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों मिला लें, दोस्तों मिला लें, अब इसकी कटिंग करेंगे दोस्तों। ये जो एक और डेढ़ लिए हैं ये सिर्फ पीछे का पार्ट की कटिंग करेंगे, आगे का पार्ट का नहीं, क्योंकि आगे का पार्ट का वो जो टेक्स लेंगे चार टेक्स है तो बराबर आ जाएगा। अब दोस्तों एक इंच नीचे का एक एक इंच की कटिंग करेंगे दोस्तों, एक एक इंच का इसलिए दोस्तों कटिंग करेंगे पीछे पार्ट को, क्योंकि फिटिंग नाप करते समय बड़ा ना हो और फिर ब्लाउज आगे पीछे का बराबर आए फिटिंग नाप, इसलिए एक इंच को मिला के इसको कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों मैंने एक इंच का निशान लगाया, निशान लगाया दोस्तों, अब इसको इसी प्रकार से कट करेंगे। कट हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों अब बढ़ाएंगे पीछे का गला दोस्तों। यहाँ से मैंने पीछे का गला को 11 इंच पे निशान लगाया दोस्तों, 11 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब दोस्तों यहाँ से आपको अगर ब्राउन गला चाहिए तो आप 3.5 ले सकते हैं, नहीं तो अगर कम ब्राउन चाहिए तो आप 3 ले सकते हैं। तो मैं दोस्तों 3 पे निशान लगाया, 3 पे निशान लगाया दोस्तों। अब इसको इसी प्रकार से मिला लेंगे, इसी प्रकार से इसको मिला लिए, मिला के इसको दोस्तों इसी प्रकार से मिला लिए। अब यहाँ से इसको भी इसी में टच कर लेंगे, टच किए दोस्तों, यहाँ पे टच किए। अब दोस्तों यहाँ से एक इंच लेके दोस्तों यहाँ से एक इंच लेके और यहाँ से यहाँ पे ऐसे गोल की गोल गोलाई बना लेंगे गला की गोल। देखिए दोस्तों कितना मस्त तरीके से मैंने गला को भी बढ़ा के दिखाया। अब इसको गोल गला को इसी प्रकार से कट करेंगे, यहाँ से इसी प्रकार से ऐसे दोस्तों मैंने कट किया। देखिए दोस्तों पीछे का गोल गला कितना मस्त तरीके से बढ़ा के मैंने दिखाया दोस्तों। ये दोस्तों हो गया पीछे का ब्लाउज, ये दोस्तों हो गया ये पीछे का ब्लाउज हो गया, ये हो गया चार। देखिए दोस्तों ये चार टक्स ब्लाउज कितना सरल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया और इसका कटिंग भी बताया। ये दोस्तों चार टक्स ब्लाउज आगे एक पार्ट हो गया दोस्तों, देखिए दोस्तों और एक योग पट्टी हो गया दोस्तों, और ये हो गया दोस्तों पीछे का गला किस प्रकार से बढ़ाया दोस्तों, मैं वो भी दिखाया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए।